अस्सलाम वालेकुम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम लोगों। अभी रुको, let's just see if somebody's live there. Okay, we'll have to wait for everybody. So, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम everyone. If somebody's live and they can give us a heads up, so we'll start our storytelling session. And I'll start with the introduction as well. Yes. But okay. First, I need somebody to say their live. Yeah. Okay. So people are here. Assalamu alaikum, everybody. Assalamu alaikum, everyone. Okay. आज हम बताएंगे. एक सेकेंड. पहले हम लोगों ने आपको इंट्रोड्यूस भी तो करवाना है, okay? हाँ जी. Yeah. So this is your auntie Amber, और मैं आज आपके एक छोटा सा फ्रेंड आपका लेके आई हूँ मूसा. और हम दोनों आज आपको एक बहुत स्पेशल स्टोरी सुनाने लगे हैं। इट्स अ स्पेशल स्टोरी अबाउट अ टी पार्टी। या और ये स्पेशल क्यों है मूसा? व्हाई इज दिस स्टोरी स्पेशल? क्योंकि दिस टेल्स अस हाउ टू बी केयरफुल फ्रॉम बर्निंग थिंग्स। या इट टेल्स अस अबाउट हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम बर्निंग थिंग्स एंड हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम गेटिंग बर्नड। ओके ओके सो लेट्स स्टार्ट। तो एक सेकंड, पहले हम लोगों ने स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास दो बहुत स्पेशल कैरेक्टर हैं जो स्टोरी के अंदर हैं। तो फिर आई थॉट कि वी शुड हैव यू गाइस मीट विद दो स्पेशल कैरेक्टर्स एज वेल। वो बिल्कुल वैसे नहीं है जैसे स्टोरी के अंदर है, बट एटलीस्ट वी हैव देम एंड दे हैव सच क्यूट लिटिल नेम्स एज वेल। व्हाट्स द नेम ऑफ दिस कैरेक्टर मूसा? इट्स अ बर्ड एंड इट्स नेम इज सोनू। सोनू एंड दिस इज अ पपी एला। इट इज एला। या So we're gonna tell you the story with the help of Ella and Hoot Hoot Hoot. Okay, now this is the other sort of bird. We didn't have any other bird. So this bird is gonna go tweet, 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 not hoot, 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 hoot. And we're gonna tell you the story with the help of these very special characters that we have today. And this story, like I said, is about a tea party. Yay! Okay, hang on. Let me just, okay. Flip it on the other side. राइट सो एवरीबॉडी, आज हम लोग आपको बताएंगे कि एक बहुत प्यारी सी बच्ची है, उसका नाम है इज़ा, और वो एक बहुत मज़े की टी पार्टी में जाती है और वहाँ पर वो एक बहुत मज़े की बात सीखती है जो हम सबको सीखनी चाहिए। ठीक है, तो वो हम इज़ा के साथ वो वाली मज़े की बात सीखते हैं। ओके शोर सोनू, सोनू कम राइट हियर एंड एला। ओके तो इज़ा की चाय पार्टी। ओके फर्स्ट बिफोर वी स्टार्ट वी शुड से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिफोर वी स्टार्ट वी से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके सो This is how it starts. Yeah. Well, he moved and he has his puppy right here. Okay, sure. Okay. तो हमारी story start होती है जब Ella जागती है. तो what happens there? Let's see. Sorry, Izza जागती है जब. Izza आज सुबह जल्दी जाग गई. जी. Ella, where is Ella? Woof 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 woof. Sonu. Show me Sonu. Where's Sonu? Ella और Sonu, जो कि Izza के पालतू जानवर थे, खुशी से उछल पड़े. They're so happy to see Ella awake. Right? इन सबको मालूम है कि आज दादी जान ने टी पार्टी स्पेशल भी की है. चाय की पार्टी पे बुलाया हुआ है, स्पेशल चाय की पार्टी पे दोनों को बुलाया हुआ है। वाओ दैट्स सो कूल। व्हाई डू वी लव टी पार्टी सो मच? टेल मी मामा, मुझे बताओ। या कम ओवर हियर। सो व्हाई डू वी लव टी पार्टी सो मच? बिकॉज़ दे आर स्पेशल एंड दे हैव सम फन ईटिंग स्टफ फॉर अस एंड ड्रिंकिंग। या सो यू कैन drink all the special stuff there, you can eat all the special stuff there, so everybody loves tea party. And Ella, Sonu and Izza are invited on a tea party from Bunny Chuko. No, who invited them? Grandmother and grandfather, both of them invited them for a tea party. Ab hota kya hai ki Izza khushi khushi taiyar hokar apni ammi
एला और सोनू के हमरा दादी जान की घर की तरफ चल पड़ती है। ये देखिए, ये हैं इज़ा की मामा है यहाँ पर। सो वी हैव हर राइट हियर, ओके, एंड देन वी हैव दिस गर्ल हु इज इज़ा हरसेल्फ। मम्मी बूम को जब ओके हैंग ऑन दिस इज हु इज दिस इज़ा नो एला This is Ella, yeah. And the bird is? Iza. The bird is? Tweet, tweet. Get up, sit with us, okay, right here. And the bird is? Sonu. Sonu, okay. Abhi and the dog is? The dog is? हम लोगों ने बात कर ली, डॉग इज एला। अब ये दादो के घर आ गए, ठीक है। अब दादो के घर पहुंच के fun part starts right here. ये देखिए, हम दादू के घर आ गए। ये जी और ये एला। ओके लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ओके, दादी जान ने खुशी खुशी दरवाजा खोला और इज़ा को गले से लगा लिया। राइट हियर लाइक दिस। कैसी हैं इज़ा आप? आ गई हमारे पास। थैंक यू इज़ा फॉर कमिंग। आप हमारी चाय पार्टी पे आ जाई हैं। लेट्स हैव सम फन। ओके, इज़ा ने क्या पूछा? इज़ा ने बहुत बेताबी से पूछा, दादा जान कहाँ है? तो फिर दादी जान ने क्या आगे से बताया उनको, उसको कि वो अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार क्या है? अखबार पढ़े, अखबार इज़ अ न्यूज़पेपर। ओके, सो दादी जान ने क्या बताया कि दादा जान अखबार पढ़ रहे हैं। ही इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब दादी जान ने एला को बताया कि मैं चाय बनाने के लिए किचन में जा रही हूँ। Okay, because it's a tea party, so somebody has to go make tea. So she's going to the kitchen to make the tea party. Okay, Ella, come sit here with me. अब ये देखिए, this is the kitchen. वो देखिए, सब कुछ हमें नजर आ रहा है किचन के अंदर। वो चूल्हा है, चूल्हे के ऊपर पतीला है, पतीले से धुआं निकल रहा है, भाप निकल रही है, which means something is up on the flame. Okay, यहाँ पर कुछ बन रहा है, कुछ गरम गरम बन रहा है। वो जरा जाहिर है गरम गरम चाय बन रही है। साथ में आपको यहाँ एक माइक्रोवेव भी नज़र आ रहा है और कैबिनेट्स हैं। वो बड़ा प्यारा सा दादी जान का किचन है, देखिए तो ज़रा, बहुत प्यारा सा दादी जान ने किचन बनाया हुआ है। लेकिन देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल द दादी जान इज गोइंग टू टेल अस राइट नाउ, सो लेट्स रीड ऑन। इज़ा दादी जान के पीछे चलते हुए किचन में आ गई, क्योंकि इज़ा वाज गेटिंग बोर्ड आउटसाइड, सो शी सेड लेट्स गो टू द किचन एंड हैव सम फन इन द किचन, बिकॉज़ किचन इज सच अ फन प्लेस फॉर किड्स। आई डोंट नो व्हाई मूसा, व्हाई डू यू लाइक गोइंग इन द किचन सो मच? बिकॉज़ आई वांट टू कुक। ओह, ही वांट्स टू कुक। मूसा लव्स कुकिंग एंड किड्स लव कुकिंग, बट देयर इज अ लेसन दैट वी नीड टू लर्न राइट हियर राइट नाउ। ओके, ऑल द किड्स हु लव कुकिंग। तो फिर इज़ा ने क्या कहा दादी जान को किचन में आके? दादी जान, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। See, all the kids love cooking, so she wanted to help दादी जान। दादी जान क्या? अच्छा, okay। इज़ा ने चूल्हे की तरफ देखते हुए कहा। अब दादी जान ने एक बहुत मजे की बात इज़ा को बताई है। बच्चों को चूल्हे से हमेशा पांच स्टेप्स दूर रहना चाहिए। बच्चों को चूल्हे के ऊपर चढ़ के नहीं आ जाना चाहिए और बच्चों को चूल्हे के बिल्कुल करीब नहीं खड़ा होना चाहिए। उनको हमेशा चूल्हे से पूरे पांच कदम दूर रहना चाहिए। फाइव स्टेप्स, ओके, इट्स नॉट दैट मच, बट इट इज एनफ टू कीप यू सेफ। अगर हमने नहीं फाइव स्टेप जाना, यू कैन गो 40 स्टेप्स अवे। ओके, या दैट वुड बी इवन सेफर। ओके, तो जब दादी जान ने एला को ये कहा, विच मीन्स कि एला दूर चली जाएगी, अब तो एला ने पूछा कि क्यों दादी जान बच्चों को क्यों चूल्हे से पांच कदम दूर रहना चाहिए? इज़ा ने पूछा। तो इज़ा ने बहुत हैरत से पूछा दादी जान, क्यों बच्चों को पांच कदम दूर रहना चाहिए चूल्हे से? अब लेट्स सी व्हाट इज दादी जान टेल हर। ओके, सो दादी जान सेज, इसलिए कि चूल्हे पर डेगची है जिसमें चाय के लिए पानी रखा हुआ है जो कि आग की तरह जल रहा है। ठीक है, ये पानी चूंकि आग के ऊपर है,
तो ये आपकी तरह जलाता भी है अगर ये आपके ऊपर आपको जलाता है. या इफ यू एक्सीडेंटली टच दिस वाटर और इफ दिस वाटर एक्सीडेंटली फॉल ऑन यू देन यू आर गोना बर्न गेट बर्न जस्ट लाइक इट वाज फायर. क्योंकि पानी इतना गर्म हो जाता है. आपको पता है जब पानी गर्म होता है तो उसका टेम्परेचर हो जाता है 100 degrees Celsius, व्हिच इज सो मच. ओके, बिकॉज द वाटर दैट वी ड्रिंक जो हमारे रूम टेम्परेचर पे होता है, जो आजकल हम लोग ठंडा पानी पीते हैं, इट्स ऑलमोस्ट 4 degrees or 10 degrees जो ठंडा पानी हम पीते हैं, और रूम टेम्परेचर पे थोड़ा उससे भी ज़्यादा तेज़ हो जाता है. ठीक है, ऊपर चला जाता है. तो जो उबल रहा होता है पानी, जो देगची पे चाय के चूल्हे चाय के लिए आप चढ़ाते हैं चूल्हे के ऊपर, वो 100 degrees Celsius तक high temperature uska ho jata hai, which means it's very very burning hot. It's very very hot. Okay, so dadi jaan ne usko bataya ki isliye ki chulhe par dekchi hai jisme chai ke liye garam pani hai jo aag ki tarah jalata hai, dekchi ko hamesha piche wale burner par rakhte hain. ab aapko ek aur baat bataungi ki sare ke sare chulhon mein burners hote hain, jinme se kuch burners aage ki taraf hote hain front pe hote hain और कुछ बर्नर जो है वो पीछे की साइड पे होते हैं. तो जब आपके पास स्पेशली घर में बच्चे हों तो तब तो आपको हमेशा पीछे वाले बर्नर पे देगची चढ़ानी चाहिए, आगे वाले बर्नर पे तो चढ़ानी नहीं चाहिए. ठीक है, और पीछे वाले बर्नर पे चढ़ा कर भी आपको उसका जो हैंडल है या जो पकड़ने वाली जगह है वो हमेशा पीछे की साइड पर करनी चाहिए. कि जैसे देखिए इस वक्त दादी जान का हैंडल हमें सही से इस तरह नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज इट्स अ टू डिमेंशनल डिपिक्शन. तो ये हैंडल हमेशा पीछे की साइड पे होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर कोई बच्चा गुजर रहा है बहुत तेज़ी से, या इवन इफ़ यू आर वॉकिंग देयर वेरी क्विकली, तो आपका दुपट्टा, आपके कपड़े, कोई भी चीज़ इस हैंडल के साथ टच कर सकती है और उस हैंडल में अटक सकती है, और वो चीज़ है इट विल फ्लिप आउट, और वो जो भी गर्म गर्म उसके अंदर चीज़ है वो सब आपके ऊपर गिर सकती है. It's very dangerous, so this is something that you need to learn. Okay? Yeah. All right. So Dadi Jaan ne Izzah ko samjhate hue ye bahut mazey ki baat batayi hai. Theek hai Dadi Jaan. Izzah ne Dadi Jaan ki baat samajhte hue sar hila diya. अब देखिए यहाँ पर कितने मज़े से उन्होंने हमें इतनी प्यारी पिक्चर दिखा के बताया कि हाउ डू यू हैव टू कीप इट फाइव स्टेप्स योरसेल्फ फाइव स्टेप्स अवे. सो देयर इज 1, 2, 3, 4, and 5. तो आप देखिए जो 1 स्टेप है उसको उन्होंने कितना बर्निंग रेड दिखाया हुआ है, which means it's very very dangerous. The step 1, it is burning red, which means that it's a very very dangerous spot to be in. और जो second step है वो थोड़ा सा कम रेड है. ठीक है, और उसके बाद third step is a little bit lesser red, and the fourth step is orange, which means a little bit safer here. Okay, and the fifth step is all yellow, which means that's all safe for you to stand there on the fifth step. Okay, तो आप पांचवे step पे खड़े हो सकते हैं, चूल्हे से 5 कदम दूर आप खड़े हो सकते हैं. ठीक है, this is what you have to do if you have to go to the kitchen. Would you remember that? Yep, you'll have, because Musa loves cooking and he comes over in the kitchen a lot to help me. So अब मुसा हमेशा याद रखेगा कि 5 कदम दूर होकर ये मेरी हेल्प कर सकते हैं. लेकिन वैसे भी देन हाउ विल आई एबल टू डू इट? यू कैन हेल्प मी विद द कोल्ड कुकिंग मे बी. या ड्राई कुकिंग, कोल्ड कुकिंग इज अ कुकिंग दैट आई एम नॉट डूइंग राइट ओवर द स्टोव. हाउ अबाउट आइसक्रीम? आइसक्रीम या एंड केक्स? एंड केक्स दैट डू नॉट नीड एनी बेकिंग. ओके, सो नाउ इज़ा जो है उसने ये बातें दादी जान से सुनी, और मूसा ने भी दादी जान की ये बातें सुन ली हैं. तो इज़ा भी जान गई थी और मूसा भी जान गया कि बच्चों को हमेशा चूल्हे से 5 कदम दूर रहना चाहिए, इस तरह वो जलने से महफूज रहेंगे. यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी फ़ोटो से उन्होंने, वो जो डिपिक्शन है कितनी प्यारी है, उससे उन्होंने बताया है कि किस तरह आपको 5 कदम दूर रहना है. यहाँ पर ये देखें, ये चूल्हा है, इसके बर्नर पे आपने, ओके, इसके बर्नर पे आपने ये देखिए कहाँ गए, द फ्लिपिंग इज रियली रियली हार्ड टू डील. ओके, यहाँ पर आपके पास बर्नर पे आपने देगची रख दी है, और वहाँ पर देखिए टोस्टर या अवन भी पड़ा हुआ है. एंड दिस इज़ द वेरी हार्ड प्लेस, दिस इज़ द वेरी डेंजरस प्लेस फॉर द किड्स टू बी एट.
और फिर आहिस्ता आहिस्ता डेंजर जो है वो कम होता जा रहा है जैसे जैसे यू आर मूविंग सम स्टेप्स अवे फ्रॉम द पैन और पांचवे स्टेप पे आकर यू आर ऑलमोस्ट सेफ. सो यू हैव टू स्टैंड फाइव स्टेप्स अवे फ्रॉम वेयर जहाँ पर इज़ा इस वक्त खड़ी हुई है वहाँ पर आपने खड़े होने जब आप किचन में जाएंगे. ठीक है. सनलाइट क्यों होनी चाहिए. सनलाइट There's no such thing as sunlight in the kitchen. अच्छा कम ही ना. दादी जान ने मेज पर चाय की केतली रखते हुए इज़ा से कहा, चाय तैयार है, मैं आपकी अम्मी और दादा जान को बुला कर लाती हूँ. ये देखिए दादी जान चाय रख चुकी हैं और चाय के साथ तो मुझे मज़े मज़े की चीज़ें भी नजर आ रही हैं. I can spot a cake. What can you spot right there? I could spot some cookies and cake. Oh my god, it's gonna be such a yummy tea party. तो दादी जान ने चीज़ें रख दी और अब वो जा रही है मम्मा को बुलाने के लिए और दादा जान को बुलाने के लिए. So let's see what happens. दादी जान के जाते ही इज़ा ने एला और सोनू से कहा कि चलो केक खाते हैं, बहुत मज़े का लग रहा है. And probably दादी जान baked it herself. Yeah. So that would be even yummier. अब देखिए यहाँ पर इज़ा तो बहुत शरारती है भाई. What's she doing? She's doing something very mischievous. Yeah, she's pulling the table's mess, but she can get burned with the hot tea. Hot tea, yes. मेज पोश खींचते हुए इज़ा केक की तरफ लपकी. इज़ा को ऐसा करता देखकर एला ने क्या किया? What did Ella do? No, this is Ella. What did Ella do? Ruff. Boom, 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 boom. Or Sonu ne kya kiya? Even they knew Iza is going to do something very dangerous right now. She is getting very close to something very hot. So Ella or Sonu ne dono ne choo 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 aur boom 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 karna shuru kar diya. जैसे कि वो इज़ा को ऐसा करने से रोक रहे हों. जब इतना ज़्यादा शोर मच जाएगा, ये देखिए इतना शोर मच गया, दोनों चीख रहे हैं कि भाई हट जाइए. और यहाँ पर एक और चीज़ आपने नोट की होगी बहुत मज़े की, कि देखिए जब दादी जान इज़ा को किचन में सारी चीज़ें समझा रही थी तो एला और सोनू को देखे वो कितने मज़े से दादी जान की सारी बातें सुन रहे हैं. वाओ, दैट्स सो फन, राइट? Oh, you can spot the cookies here as well. Yeah, okay. तो अब उन्होंने चूंकि दादी जान की सारी बातें सुनी थी तो उन्होंने क्या किया, एकदम से चूं 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 और भूं 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 करना शुरू कर दिया. अब शोर की आवाज़ एकदम से आना शुरू हो गई. ठीक है, पर शोर की आवाज़ सुन के क्या हुआ, अम्मी जान शोर की आवाज़ सुनकर दौड़ती हुई आई और बोली, रुक जाओ इज़ा, दिस इज सो डेंजरस, रुक जाओ इज़ा, स्टॉप, प्लीज पुश, मिस पुश, मत खींचो, गरम चाय आप पर गिर जाएगी और आप लग जाओगी, जल जाएंगी, जल जाओगी, हाँ जल जाएंगी आप. ओह माय गॉड, दिस इज वेरी डेंजरस. क्या आपको मालूम नहीं कि गरम चाय आग की तरह जलाती है? अब देखिए उन्होंने उसको गोद में बिठाया, प्यार से उन्होंने कहा, प्यारी इज़ा, ये तो बहुत गंदा काम किया आपने, बहुत गंदा काम किया. आपको मालूम नहीं, दादी जान ने भी तो अभी आपको बताया था कि गर्म चाय आग की तरह जलाती है और जलने से बहुत दर्द होता है, रियली रियली हर्ट सो बैड. और जलने का निशान भी कभी भी नहीं जाता, आपको पता है? मैंने मूसा को दिखाया था, आई गॉट बर्नड वंस, मेरे बाजू पे, मेरे बाजू पे लग गई थी और वो अभी तक निशान नहीं गया. इट वॉज माई मिस्टेक. और नो, यू डोंट हैव एनी बर्न, मूसा, यू डोंट हैव एनी बर्न मार्क. व्हाट डू यू मीन आई बर्न? No, you did not. Okay, तो खुद को और अपने दोस्तों को हमेशा गर्म मशरूबात से दूर रखो. So you just don't have to do it yourself. आपने अपने फ्रेंड्स को भी बताने कि always stay away from chai or anything that is very hot. Like what can be hot, Musa? What drink can be hot? Maybe the drinks that can be hot are garam coffee ya hot chocolate ya garam doodh. To in sare drinks se aapne khud ko bhi dur rakhna hai aur bachcho apne friends ko bhi bachana hai. Theek hai, bachcho ko bachana hai. Hmm.
तो अम्मी जान ने इस आपको इतने मज़े की बातें जो हैं वो समझा दी हैं. अब लेट्स होप इज़ा इज़ अ वेरी गुड गर्ल लाइक मूसा. मूसा यू आर अ गुड बॉय, यू अंडरस्टैंड दिस एंड यू आर ऑलवेज रिमेंबर दिस, राइट? ओके, यू कम हियर ऑन दिस साइड. तो मूसा ने ये बातें समझ ली हैं, तो आई होप कि इज़ा को भी जो है ये बातें समझ आ गई हैं और इज़ा ने भी यूँ ही करना है आइंदा, ठीक है? क्योंकि देखिए एलो और सोनू को जब समझ आ गया तो हमें क्यों ना समझ आए, राइट? एलो और सोनू को भी तो ये बात समझ आ गई है. तो इज़ा ने फिर सबसे वादा किया. व्हाट प्रॉमिस डिड शी मेक? अब मैं चाय से दूर रहूंगी और दूसरों को भी यही बताऊंगी. सी एवरीबॉडी इज सो हैप्पी विद हर, शी इज गेटिंग हग्ड, एवरीबॉडी इज सो हैप्पी बिकॉज़ शी अंडरस्टूड. ओके, तो अब आपने ये देखना है एक दफा दोबारा. Why is it important to keep away from anything that is really hot? Like, because, yeah, like what could be the hard things? Fire, coffee, tea, stove, and tea again. Okay, in sari cheezon se aapne kitne steps dur rehna hai? 40, five steps dur rehna hai. Musa, come over here, okay? तो हम लोगों ने इन सारी चीज़ों से 5 कदम दूर रहना है. गरम दूध, गरम सूप, गरम चाय, गरम कॉफ़ी, आग स्पेशली फायर इट्सेल्फ, या माचिस, या कोई भी ऐसी चीज़ जो फायर से एसोसिएटेड है, आग से, आग के साथ जैसी है, वो आपने उससे दूर रहना है. चाहे पानी गरम क्यों ना हो रहा हो, जब वो गरम हो जाता है, जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पर चला जाता है, तो वो बिल्कुल आपको ऐसे ही जलाएगा जैसे आग में आपका हाथ जल जाए. और 2 बहुत अहम चीज़ें होंगी, वो ये कि आपको दर्द होगा बहुत ज़्यादा, नो मैटर व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट यू गेट, नो मैटर वेयर यू योर मामा पापा टेक यू टू द डॉक्टर, आपको दर्द बहुत होगा, ठीक है? तो आपको पहले से ही बचना चाहिए ताकि आपको दर्द ना हो. और दूसरी चीज़, जो जहाँ पर आप जल जाएंगे ना, वहाँ निशान कभी भी नहीं जाएगा. सी दिस इज़ अ बॉय हु गॉट बर्नड विद टी And you can see this mark on his body. This is very, very sad, right? This is really big. Really sad. This and is big. Very, very big as well, yeah. Aur dard kitna hota hai, theek hai? To ab hum sab bachcho ne milkar vaada karna hai ki hum chai se kitne kadam dur rahenge? Zyada. Zyada kitne? 5. 5 steps away from tea. Aur aapne ye itna pani mein rakhna hai haath. Yeah. अगर आपका हाथ जल जाए तो देयर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप पानी के नीचे हाथ रखें तकरीबन 20 मिनट तक. ठंडे पानी के नीचे आप अपना हाथ रखें, उससे आपका हाथ हल्का हल्का ठीक हो जाएगा और सब कुछ. हाँ, और उसके बाद आप फौरन डॉक्टर के पास जाएं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है बच्चों, क्योंकि मूसा ने भी आज ये चीज़ सीख ली है और इज़ा ने भी सीख ली, और हम लोगों ने कभी भी इस बच्चे की तरह नहीं जलना. ओके, नहीं, कभी भी अपने आप को जलने नहीं देना. इट्स वेरी सैड कि बच्चे जल जाते हैं, उनको बहुत दर्द होता है, उनका निशान कभी भी नहीं जाता. सो टुडे एला फाउंड आउट कि हमने नहीं जलना अपने आप को, एंड सोनू फाउंड आउट कि हमने अपने आप को नहीं जलने देना, एंड मूसा फाउंड आउट, सबसे इम्पोर्टेंट मूसा फाउंड आउट, आपका फ्रेंड मूसा, इसने अगर समझ ली ये बात, तो आप सबने भी ये बात समझनी है. ओके, तो आप मुझे तो चूंकि आपकी आवाज़ नहीं आ रही, तो अपनी मम्मा को और अपने बाबा को बोलें कि बाबा मामा, हम वादा करते हैं कि हम आइंदा से चूल्हे के करीब नहीं जाएंगे, और हम लोग चाय से दूर रहेंगे, और हम तमाम गर्म मशरूबात से दूर रहेंगे, ठीक है जी? ओके, अल्लाह हाफिज़. सो या नॉट सो क्विक, ट्वीट ट्वीट ट्वीट. ओके, सो दिस वाज आवर स्टोरी टुडे दैट वाज रिटन वेरी ब्यूटीफुली, एंड आई रियली लव द इलस्ट्रेशंस, एंड यू मस्ट गेट दिस स्टोरी ताकि अपने बच्चों को घर में भी सुनाएं ये स्टोरी, ताकि जो पैगाम है स्टोरी का वो रीइंफोर्स हो सके उनके जहनों में. और आई रियली होप हम सब अल्लाह ताला हमें मुश्किलात से और इन मुसीबतों से हमारे बच्चों को स्पेशली बचा के रखे, बिकॉज चलना बहुत तकलीफ़दे चीज़ है, बहुत अल्लाह ताला हमें उससे महफूज रखें. और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कभी दोबारा स्टोरी टेलिंग सेशन को ही करेंगे, कुछ और मज़े की कहानी आपको सुनाएंगे. Like, like, I mean, book that fun.
Oh, any book that's fun. We'll read some book that is fun with you guys. And I really hope the kids today enjoyed the session and they learned something really good out of it. And inshallah, aap logon se dobara mulaqat karenge. Until then, see you guys. Allah Hafiz from Mama.